नमस्कार, पीसीए न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ पैनल में है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीसीए न्यूज में। धन्यवाद नवीन जी। हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह जी, पीसीए न्यूज हेड ऑफिस दिल्ली में है इस समय। मैडम, इस समय कोविड 19 की पोजीशन चल रही है, पूरा देश, पूरा दुनिया इस समय इस एपिडेमिक में हम लोग मुसीबत में हैं और सब एक साथ होके इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और स्कूल एजुकेशन, एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होने के नाते आपने एक मुहिम शुरू की ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन एजुकेशन के चलते आप सभी क्लासेस को ऑनलाइन एजुकेशन में ला रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए कि कहाँ कहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन चला रही हैं और कौन कौन सी क्लासेस का चला रहे हैं उसके लिए बताइए। देखिए नवनीत जी, मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, हमने पहले तो एक अच्छी चीज जो हमने की वो ये की कि हमने अपनी टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन, हमारा नंबर है 600-68-00068, आओ बात करें, ये हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हेल्पलाइन थी, इसको हमने रीओरियंट किया। और इसमें सबसे पहले हमने ये जानना चाहा कि बच्चों को या उनके पेरेंट्स को क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। तो उसके साथ ही हमारे जो काउंसलिंग सेल और हमारा जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सेल है, उन्होंने हमें ये गाइड किया, हमने ये डिसाइड किया कि हमें बहुत इमीडिएटली बच्चों की एकेडेमिक जो स्टडीज, उनका जो लॉस हो रहा है उसके लिए, और उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज इफ एनी अगर कोई आते हैं तो वो हमें डील करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन से तो हमने बच्चों के, अगर कोई उनका एंग्जाइटी से रिलेटेड या उनके पेरेंट्स का कोई इशू है कि बच्चे घर के अंदर रहना नहीं चाहते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं, उनको भी हमने डील कर किया है। उसके अलावा हमने एक DSEJ होम क्लासेस नाम से एक हमने स्टेप लिया। अब इस DSEJ होम क्लासेस में और बाकी जो कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसमें ये डिफरेंस था कि हमने अपने एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ये क्लासेस शुरू की। हमारी वेबसाइट है schedujamu.nic.in। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट कॉर्नर में हमने DSEJ होम क्लासेस में एज पर एकेडमिक कैलेंडर, अभी इमीडिएटली आपको 6-12 जो क्लासेस हैं, जो बड़ी क्लासेस हैं, उनके आपको फर्स्ट चैप्टर्स, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके फर्स्ट चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। और इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट के रिसोर्स पर्सन हैं वो अपने घर में ही बैठ के जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड करते हैं अपने लेक्चर्स। किसी के पास व्हाइट बोर्ड है, किसी के पास नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, बट मतलब हर ऑप्शंस एक्सप्लोर करके तो क्वालिटेटिव कंटेंट और अच्छी डिलीवरी जो है वो हमने उसके बेसिस पे हमने लेक्चर्स को स्क्रीन करके और वो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसको इतना सारा ई कंटेंट है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे चैनल्स, जो बहुत सारे ई कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने फ्री कर दी हैं अपनी एप्स। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम खास तौर पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, जिनके पेरेंट्स कई बार आप जानते होंगे कि बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो बच्चों को गाइड भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको ये बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है। वो हमने बच्चों को गाइड करने के लिए स्ट्रिक्टली एज पर कैलेंडर होम क्लासेस शुरू की। उसके बाद हमने उसको लिंक करने के लिए DSEJ होम असाइनमेंट्स शुरू की। DSEJ होम असाइनमेंट्स क्या है, उसमें एक तरफ हर स्कूल लेवल पे व्हाट्सएप क्लासेस चल रही है जिसको मॉनिटर किया जा रहा है जोन लेवल पे और CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेवल पे और ज्वाइंट डायरेक्टर्स के लेवल पे। लेकिन बेसिक यूनिट जो है वो एक स्कूल है, तो स्कूल में हर टीचर इंचार्ज अपने बच्चों का, जिन बच्चों के नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है उनको व्हाट्सएप के थ्रू इंटरएक्टिव क्लासेस चल रही हैं। और एक अच्छी चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो देखी है कि जो बच्चे क्लास में सवाल नहीं पूछते थे वो व्हाट्सएप पे बहुत फ्रीली सवाल पूछते हैं और बिल्कुल 1-to-1 उनका जो इंटरेक्शन है वो टीचर्स के साथ हो रहा है। उसके अलावा जो बच्चे व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एनरोलमेंट ऐसा है जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो उनके लिए हमने दो चीजें की। एक चीज हमने ये की कि जिन जिन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की जा सकती है विदाउट एंड्रॉइड फोन, अगर स्मार्टफोन नहीं भी है तो कॉन्फ्रेंस कॉल की जा सकती है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल हम करते हैं।
और जिन बच्चों को हम कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू भी अप्रोच नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, जिस तरह से मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, तो बच्चों को कोशिश करेंगे कि कुछ स्टडी मटेरियल एटलीस्ट फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का जो है वो हम उनको घर पे ही पहुंचा दें। तो उस पे भी काम जो है वो चल रहा है। विंदर जी, जी मैम, मेरा सवाल आपसे कि ये जैसे जो आपने सर्विस की, आपने पूरी इसकी डिटेल जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी, लेकिन जम्मू डिवीजन के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इंटरनेट इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक तो 2G सर्विस है और बॉर्डर में होने से उन एरियाज में तो इंटरनेट नहीं चलता, और काफी पेरेंट्स की भी ये कंप्लेंट्स है कि कंटेंट्स जो जम्मू में भी सिटी में भी कि कंटेंट्स जो है वो लोड नहीं हो रहे क्योंकि 2G वो अवेलेबल है नेट। तो क्या कभी आपने, जब आप मीटिंग्स में बैठे हैं, तो आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि आपको भी, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको भी आती होगी स्लो नेट के कारण, तो क्या इसका जिक्र वहां हुआ और उन पेरेंट्स को क्या कैसे लाभ पहुंचाया जाएगा उन बच्चों? देखिए, 2G सर्विस जो है वही इस समय अवेलेबल है, ये बात हम सब सच्चाई जानते हैं, और ये एक डिसीजन है जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए टॉप लेवल पे जो है वो लिया गया है। तो उसमें लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये बताती हूँ कि जिस तरह से बच्चे, अगर ये बच्चों को ये लगता है कि वो डाउनलोड करने में उनको डिफिकल्टी आ रही है, उसी तरह हमें अपलोड करने में भी आ रही है, लेकिन हम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल। आपके पास टाइम है इस समय, बच्चे घर में बैठे हैं, कोई और बाहर नहीं जाना है, कोई डाइवर्जन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। हम सब भी 2G पे ही काम कर रहे हैं, सारा काम 2G पे हो रहा है। अनुराधा, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया, एक चीज मैं पूछूंगा, एक चीज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, देखिए गवर्नमेंट स्कूल तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और आपने बल्कि हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आपने बीच में दे दिया, आपने दूर दराज के लोगों को कैसे कवर करना है वो भी बता दिया, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको कैसे कवर कर रहे हैं वो भी बता दिया, तो बहुत सारे आपने सवालों का जवाब खुद ही दे दिया, अच्छी बात है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें ये आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उनको फीस लेनी है, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर या ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी कि स्कूल की फीस कम ले जाए या ना ली जाए, कोई ऐसा कोई आप लोग सर्कुलर निकालेंगे? इस पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इस पे मैंने, मुझे भी बहुत सारी इस तरह के मैसेजेस आए हैं, तो मैं ये एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं असगर सामून साहब, उन्होंने एक ऑलरेडी ऑर्डर निकाला हुआ है कि 30 अप्रैल तक फिलहाल कोई भी स्कूल फी डिमांड नहीं करेगा। बात दूसरी बात, अगर कोई भी ऑनलाइन अगर होमवर्क दिया जाता है या क्लासेस लगाई जाती हैं, उसके लिए कोई वो फी चार्ज नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को इस समय अपने मन से हर बात निकाल देनी चाहिए कि कोई इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन होगी या कोई इशू होगा। फिलहाल 30th अप्रैल तक उनसे कोई फी डिमांड नहीं करेगा। अगर कोई किसी के पास कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट ऐसी आ रही है, इनफैक्ट हमें आई भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक या दो, मुझे लगता है दो या तीन स्कूल्स की हमें स्पेसिफिक कंप्लेंट्स आई जो हमने एड्रेस कर ली, वो हमने उनको, और उन स्कूल्स ने जिन्होंने मैसेजेस भेजे थे उन्होंने वो मैसेजेस विड्रॉ किए। तो इसलिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज देयर, नोबडी नीड्स टू वरी ऑन दिस अकाउंट। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद ये फैसला करेंगे कि क्या करना है। बहुत सारे इश्यूज हैं, एक सेंसिटिव इशू है, इसको थॉटफुली रिजॉल्व करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से, कि इस समय ये सवाल ना पूछें कि क्या प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस इसलिए करवा रहे हैं कि उनको फी लेनी है। इस समय उनको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। कई जगह पे मैंने ये भी एक या दो एग्जांपल्स ऐसे आए जहाँ पे ये हमें कहा गया कि पासवर्ड रखा है प्राइवेट स्कूल्स ने और वो तब तक नहीं देंगे जब तक आप फी जमा नहीं करवाएंगे। तो ऐसे केसेस में भी हमने इंटरवीन, बहुत कम आइसोलेटेड केसेस थे, एक या दो, बट वी हैव रिजॉल्व्ड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा किसी को परेशान होने की जरूरत है। 30th अप्रैल के बाद देखेंगे क्या करना है, फिलहाल आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू वरी। ठीक है मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आप कुछ और दर्शकों को बताना चाहेंगी, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट
जानकारी थी जो आपने इस समय दी है, आप कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों से? और साथ में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा एक कि क्या अगर देखिए ये तो पक्की बात है, मतलब आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, और कि एकदम से पूरा का पूरा देश नहीं खोला जा सकता, इससे बाहर नहीं आ सकते, क्या स्कूलों को उसके बाद भी हम लोग बंद रखेंगे? ये तो देखिए ये फैसला टॉप लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी, जैसा भी ऊपर से डायरेक्शंस होंगी वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि स्कूल्स, मुझे लगता है कि देखिए हमारे लगभग 8 लाख के करीब बच्चे जो हैं, अगर आपको आप ये सोचते हैं कि सबको एक ही बार में अगर वो आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, तो इसलिए फेजेस में ही होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा सरकार की तरफ से वो हम पूरा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी किस्म की जो है परेशानी बच्चों को ना हो। आपने मुझे कहा कि कुछ खास अलग से मैं बताना चाहूंगी, एक चीज मैं बताना चाहूंगी बच्चों को और पेरेंट्स को कि आप घर में बैठे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन इस चीज का आप पूरा फायदा उठाइए, ये वक्त भी नहीं रहना है, तो इस वक्त में जो आप बेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो सिल्वर लाइनिंग ढूंढिए। तो एक और मैं जाते जाते एक और चीज बताना चाहूंगी जो मैंने अभी बात की थी DSCG होम असाइनमेंट्स हमारी वेबसाइट पे, एक उसमें दो अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, एक अट्रैक्शन है वीकली प्रोग्राम, वीकली असाइनमेंट हम देते हैं, वो बहुत फन फिल्ड एक्टिविटीज है, जैसे उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों को समझाने के लिए टेबल्स का कंपटीशन रखा है कि टेबल याद करें बच्चे, जो नॉर्मल टाइम में शायद बच्चे याद ही नहीं करते हैं, तो टेबल्स लर्न करें, हम उसका कंपटीशन करवाएंगे, जब स्कूल खुलेंगे सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्क्रैप बुक, आपके पास पुरानी कॉपीज जो बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं, उनके ब्लैंक पेजेस को आप यूज करके बढ़िया सी स्क्रैप बुक बनाइए, उसका कॉम्पिटिशन हम करेंगे। उसके अलावा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन में हमारा एक कंटेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन कंटेस्ट है, एक्टिविटी करो ना, तो उस वो भी हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक अवेलेबल है, उस पे जाएं, और ये गवर्नमेंट प्राइवेट हर बच्चे के लिए खुला है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हमारी हर जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमने एक उसमें एक असाइनमेंट दी है, राइट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जुड़ना, अपनी अपनी हिस्ट्री, स्कूल की हिस्ट्री, अपने अपने गांव की हिस्ट्री, इस तरह की चीजों में वो क्रिएटिव चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो वो बिल्कुल भी कभी उनको कोई एंग्जाइटी लगेगी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं लगेगी। तो दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, जो अनफॉर्चुनेट टाइम है, लेकिन हम इसको अच्छा बना सकते हैं, वो हमारे हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और लोगों के लिए बहुत मतलब बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। मैं लोगों को चाहूंगा कि हम लोग आपके साथ जो वेबसाइट्स की डोमेन है और वेबसाइट का URL है वो साथ में शेयर करेंगे, और आप उस चीज को अवेल करें और इन चीजों से परेशानी से हट जाएं कि आपसे कोई प्राइवेट स्कूल्स या उनके लिए फीस का कोई वो है, उन्होंने बता दिया कि कमिश्नर सेक्रेटरी का ऑर्डर आ चुका है कि 30 अप्रैल तक कोई भी फीस नहीं ले सकता, और दूर दराज के इलाके के लोग कैसे इनके साथ स्कूल के साथ मिलकर पढ़ाई करवाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स कैसे करवाएंगे, उसकी सब की बहुत मतलब खुल के जानकारी दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, और मैं धन्यवाद हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, इस समय मतलब बड़ा क्रूशियल टाइम है और आप लोगों को इस टाइम पे आप मतलब डिपार्टमेंट से ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो एक्टिविटीज में आप हिस्सा ले रहे हैं और बच्चों को एंगेज रख रहे हैं, मैं धन्यवादी हूँ PCI न्यूज की टीम और PCI न्यूज का पूरा का पूरा जितना भी हमारा स्टाफ है वो आपका धन्यवादी है, और मैं आपका भी धन्यवादी हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया देविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, और PCI न्यूज देखते रहेंगे और आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे।